इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने ऐसे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। वहीं पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने धारदार हथियार, तलवार, चाकू, छुरे, गुप्ती, आरी, हथौड़ी, लोहे का सरिया आदि जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस की मुखबिर की सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के महाराजा कॉम्प्लेक्स की तलघर पार्किंग में 5 हथियारबंद बदमाश प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर डकैती डालने का प्लान बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तुरंत टीमें तैयार कर थाने के फोर्स के साथ दबिश देकर महाराजा कॉम्प्लेक्स के तलघर पार्किंग में बैठकर डकैती डालने की योजना बनाते समय 5 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, कल एक्चुअल में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराजा कॉम्प्लेक्स पार्किंग के तलघर में 5 व्यक्ति शराब पी रहे हैं और वहीं पे इनके हाथ में कुछ हथियार भी है और उसकी तस्दीक के लिए हम स्टाफ को भेजे थे वहां पे। तो वहां पे ये चीज क्लियर हो पाई थी कि ये लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 के सामने जो पेट्रोल पंप है इसके लूट के संबंध में ये लोग चर्चा कर रहे थे जिस पर से इन्हें गिरफ्तार किया गया। टोटल 5 आरोपी हैं। कोई आपराधिक रिकॉर्ड? जी बिल्कुल, सभी के अलग अलग आपराधिक रिकॉर्ड है, किसी के 7 हैं, 4 हैं, सब हैबिचुअल हैं। जी मैं उतने रिक्शा कंडक्टर होती हूँ थाना सेंट्रल कोतवाली से।